बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 8399-43-151। पश्चात सभा की कार्यवाही फिर से प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, मुझे यानी अध्यक्ष बिहार विधानसभा को पद से हटाए जाने की सूचना दी गई है। तकनीकी रूप से यह सही है क्योंकि यह सूचना 14 दिन पहले दी गई है। माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव जी, श्री जीतन राम मांझी जी एवं अन्य 7 माननीय सदस्यों ने संसदीय प्रक्रिया का निर्वहन किया है। फिर भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे विरुद्ध अपनी इस सूचना में न तो कोई आरोप लगाया है और न ही कोई लाचना व्यक्त किया है। अतः मैं इस सूचना को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूँ। माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव जी, आप अपने संकल्प को सभा के समक्ष रखें। मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत अपने संकल्प को प्रस्तावित करता हूं कि वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने पर सभा की सहमति हो। माननीय सदस्यगण, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं देख रहा हूं कि कई माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, खड़े हैं। निश्चित तौर पर यह संख्या 38 से अधिक है। नियमानुसार इसमें सिर्फ 38 माननीय सदस्यों के ही पक्ष में खड़े होने की बाध्यता है, इसलिए इस प्रस्ताव को सभा की अनुमति दी जाती है। आप सब कृपया बैठ जाएं। अब मैं माननीय उपाध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि वे अपने आसन पर आए और आगे की कार्यवाही संचालित करें। आप सबकी इजाजत हो तो मैं 1-2 बात कहकर आप सबके बीच बैठना चाहूंगा। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के इस आसन पर मैं लगभग 1.5 वर्षों तक रहा। आप लोगों ने सर्वसम्मत से मुझे इस आसन पर बिठाया था। मैं इसके लिए पूर्व में रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जिस दल से आता हूँ उसके नेता आदरणीय लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं सदन के सभी दलों के नेता और माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अपने इस अल्प समय में मैंने माननीय सदस्यों के हितों के हमेशा संरक्षण किया और यह प्रयास किया कि माननीय सदस्य चाहे वह किसी भी दल के हों, उन्हें विधानसभा में कोई असुविधा न हो। माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र और जिला के प्रखंड समाहरणालय में बैठने का कोई स्थान नहीं है। पूर्व में सदन में लिए गए निर्णय का मैंने त्वरित कार्यान्वयन हेतु सरकार से आग्रह भी किया, पत्र भी लिखा। सरकार माननीय सदस्यों की मर्यादा और उनके प्रोटोकॉल के प्रति तो प्रतिबद्ध रहती ही है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसे और गंभीरता से माननीय सदस्यों के मान सम्मान को रक्षा करने का कार्रवाई करेगी। मैंने आसन पर बतौर अध्यक्ष रहते हुए भारतीय संविधान, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में निहित नियम, प्रावधान तथा संसदीय परंपराओं के अनुरूप ही सदन का संचालन करने में अपनी भूमिका निभाई है। राजनीति तो आंकड़ों का खेल है। सभा आएगी, सत्ता आएगी, जाएगी। लोकतंत्र की इस मंदिर की
सार्वभौमिकता और सम्मान सदा बरकरार रहेगा। कल जो था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। मुझे आपसे सदन से निर्वाचित कर जो संसदीय दायित्व सौंपा था उसका मैंने पूरा निष्ठा, कर्तव्य प्रायणता और ईमानदारी से निर्वहन किया है। मैं सदन के सभी सदस्यों के सुखद जीवन की कामना करता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव आना एक संसदीय प्रक्रिया का निर्वहन है। आप सब इसमें भाग ले रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179C में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार विधानसभा के तत्कालीन सदस्य समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 243 है। बहुमत हेतु 122 सदस्यों का विश्वास के पक्ष में मत होना चाहिए, तभी इसे स्वीकृत माना जाएगा। शुगर, गठिया, सफेद दाग, पुरुषों में कमजोरी, शुक्राणु की कमी, PCOD व निसंतान दंपति स्वस्थ एवं खुशहाल जिंदगी के लिए मशहूर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक डॉक्टर MS हक मेडल एवं अवार्ड से सम्मानित, कई वर्षों से आपके शहर में सेवा दे रहे हैं। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें।